सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्टून किस तरह बनाए जाते हैं। अगर आप कार्टून बनाना सीखना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे पहुंचे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए और कार्टून बनाना सीख जाइए। बगैर कॉपीराइट के कार्टून आप भी बना सकते हैं अगर आपको कहानी बनाना आती है तो। यहाँ हमने जो आज कहानी क्रिएट की है कि ये फाइटिंग वाली मूवी है, तो फाइटिंग एक्शन मूवी भी आप कार्टून में बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं, आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ से पोजमैक्स की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, ओपन करनी है, सेटिंग पे जाना है और यहाँ बैकग्राउंड कलर्स पे जाना है। उसके बाद इसके बैकग्राउंड कलर का कलर हमें करना है रंगीन हरा। और उसके बाद यहाँ देखिए पीछे बॉर्डर आ रहा है, तो मैंने शिमाल पे गए और वहाँ से हमने इसकी बॉर्डर पीछे वाली भी ख़त्म कर ली। उसके बाद हम यहाँ जो इसके करेक्टर हैं वहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ बहुत सारे करेक्टर दिए गए हैं, तो मैंने जैसे लड़के का करेक्टर लिया है। आप भी अपनी स्टोरी के हिसाब से जो चाहे करेक्टर ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एनिमेशन पे जाएंगे और एनिमेशन पे जाते ही हम इसका लड़के की फाइटिंग वाले जो भी सीन है वो लेंगे। तो देखिए जनाब, यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं, चलने के, बैठने के, उठने के, और ये मैंने इसका किक वाला फाइटिंग वाला ले लिया। यहाँ कोने पर तीर का निशान है। अगर मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा ये देखिए, तो मैं इसके ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और क्लियर ये स्क्रीन हो गई और ये स्क्रीन मेरी रिकॉर्ड हो रही है। तो उसके बाद जो है इसका मैं दूसरा जो है ये एंगल फाइटिंग वाला, वो भी मैं यहाँ से, यहाँ ऊपर जो दिए गए हैं बहुत सारे, वो वहाँ से हम ले लेंगे। तो इसके ये देखिए, ये यहाँ पे जो साइड में ऑप्शन है, यहाँ इसके मूवमेंट आप चेंज कर सकते हैं, बॉटम से, ऊपर से, नीचे से, जहाँ से भी आप इसका एंगल देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। ये साइड में जो ऑप्शन आ रहे हैं तो इसी से आप इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे दूसरा करेक्टर, जैसा कि मैंने ये लिया है एक, और ये मार खाने वाला है, इसको जो है वो मार खानी है, तो इसको गिरने वाले जो भी इसके सीन्स हैं वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिए हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से आप जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके फिर आपको काइन मास्टर पर जाना है। काइन मास्टर पर जाते ही आपको जो है वो बैकग्राउंड का इमेज, अगर आपके पास नहीं है तो गूगल से, यूट्यूब से आप डाउनलोड कर सकते हैं कार्टून बैकग्राउंड के इमेज। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिए हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो इसलिए मैं काइन मास्टर पर मीडिया पर गया और यहाँ से मैंने सबसे पहले तो ये जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की है तो इसके मैं अलग अलग करूँगा। काइन मास्टर में मैं स्क्रीन रिकॉर्ड जो मैंने की इसकी किक वाली, तो मैं यहाँ पर उसको ले आया। उसके बाद देखिए जनाब, ये यहाँ से इसका एक ही मुझे सीन चाहिए जो ये किक मार रहा है, तो फालतू पार्ट जो है वो मुझे कट कर देना है यहाँ से और फिर हमें प्ले कर देखना है, बस इतना सा ही, बिल्कुल बारीक काम है ये। तो इसको यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद जो दूसरे इसके फालतू पार्ट हैं वो हमें ख़त्म करने हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इसको कैंची से, फिर ये दूसरा इसका जो फालतू था वो मैंने कट कर लिया। जो मुझे काम के इसके एंगल्स हैं वही मुझे रखने हैं और दूसरे जो थे इसके वो मैं कट करता जाऊँगा। तो इस तरह से ये मैंने दो चार इसके ले ली हैं आपको समझाने के लिए, आप अपनी स्टोरी से ले सकते हैं। इसको हमने कर दिया एक्सपोर्ट। और उसके बाद जो दूसरा मार खाने वाला था वो मार खाने वाले को भी हम यहाँ से देखिए, जो उसका हमें चाहिए ये जो जहाँ पे ऑप्शन हमने ख़त्म किए थे, रिकॉर्डिंग की थी स्क्रीन, तो यहाँ से हमने इसका फालतू पार्ट कट कर दिया और ये देखिए गिर रहा है, तो हमने यही लेना है और यहाँ कैंची में से कट करके ये नीचे स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। ये भी स्क्रीनशॉट इसका पड़ा रहे ताकि कुछ देर के लिए ये मार खाने के बाद सोया रहे। उसके बाद हम इसका दूसरा जो है वो एंगल मार खाने वाला वो लेंगे और ये ऊपर वाला हिस्सा, जो पहले वाला हिस्सा, वो ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ये देखिए दूसरा हिस्सा है उसका मार खाने का, तो हमने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। सॉरी गाइस, तबीयत ख़राब है थोड़ी। उसके बाद जो है हम जाएंगे कहाँ पे, देखिए ये हमने दूसरा भी इसका मार खाने वाला हिस्सा, ये देखो सो रहा है, गिर रहा है, तो यहाँ तक हम इसका ये भी रख लेंगे। उसके बाद यहाँ जो इसके फालतू पार्ट आ रहे हैं, पहले वाला पार्ट फालतू हमने कट कर दिया, इसका हम यहाँ स्क्रीनशॉट कैंची से गए और यहाँ सिलम पे नीचे वाला जो है कैंची का ऑप्शन, यहाँ से हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इस फालतू पार्ट को हमने कट कर लिया और इसको भी कर लिया एक्सपोर्ट। जैसे हमने पहले लड़के को एक्सपोर्ट किया, अब हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यहाँ फिर से हमने काइन मास्टर की एप्लीकेशन ओपन कर ली और यहाँ गए बैकग्राउंड के लिए, हमने जो पिक्चर डाउनलोड की हुई है
तो वो पिक्चर मेरी कहाँ है, देखते हैं, ये रही मेरी पिक्चर्स। तो मैंने इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा दी है, येलो वाली लकीर से आप भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से मैं मीडिया पे गया और मीडिया से मैं अपने लाऊंगा करेक्टर, जो मैंने लड़के वाला एक्सपोर्ट किया अभी अभी काइन मास्टर में, जो उसके लड़ाई वाले थे, और इसको कर दिया क्रॉप। इसकी दोनों साइडें मैं क्रॉप कर दूंगा ताकि इसके ऑप्शन वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। और ऊपर से भी मैंने इसको क्रॉप कर दिया। और यहाँ इसकी क्रोमा की हम करेंगे अनेबल। क्रोमा की अनेबल करने के बाद इसकी थोड़ी सेटिंग होती है क्रोमा की, तो ये मैंने थोड़ी सेटिंग कर ली। थोड़े से कलर भी इसके सेट करने हैं, तो यहाँ एडजस्ट पे जाना है और ये साइड पे कलरफुल करने हैं, क्योंकि कार्टून कलरफुल ही अच्छे लगते हैं। अब इसको हम अपनी साइड पे बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ पे खड़ा कर देंगे। अब देखते हैं ये क्या करता है। ये देखिए, ये किक मार रहा है, लेकिन ऊपर से थोड़े से यहाँ पे और भी आ रहा है, तो मैं इसको और क्रॉप कर दूँगा। यहाँ से ऊपर से मैंने थोड़ा सा और क्रॉप कर लिया। आप फिर दोबारा चला के देखते हैं और दूसरा वाला लाते हैं करेक्टर, जो मार खाने वाला, वो भी इसके साथ खड़ा करके फिर सेटिंग करते हैं दोनों की। इसकी भी हम कर देंगे क्रॉपिंग। और जनाब ऐसे ही हम क्रॉपिंग पे गए और नीचे इसकी और ऊपर वाला हिस्से की भी हमने कर ली इसकी क्रॉपिंग। उसके बाद हम करेंगे इसकी क्रोमा की अनेबल। क्रोमा की अनेबल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेटिंग करके और इसके भी कलर हम करेंगे पहले जैसे हमने किए थे। तो इसको थोड़ा सा नीचे करके इसकी साइड में रखे। अब इसके हम कलर सेट करेंगे, एडजस्ट पे गए और इसके कलर जो है हमने फुल कर दिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको सेटिंग करनी है, बारीक काम है, आपको देखना है किस तरह बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ इतना सा ही देखिए, मैं इसकी और सेटिंग थोड़ी सी करके बिल्कुल इसके नज़दीक ला के खड़ा करूँगा, जैसे बिल्कुल रियल लगे इसको कि किक लग रही है तो वो गिर रहा है। तो देखें, ये देखिए बिल्कुल, तो इतना सा सीन हमें क्रिएट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद थोड़ी सी इसकी सेटिंग और कर लेनी है, जिस तरह आपको बिल्कुल रियल लगे आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड के हिसाब से कर सकते हैं। तो आप देखिए बिल्कुल ये रियल आ रहा है थोड़ा बहुत। तो हम क्या करेंगे, इसका ऊपर वाला जो बैकग्राउंड है उसको ख़त्म कर देंगे जहाँ तक हमको ये सीन बनाना है। तो इसको हम छोटे से पार्ट को, इस छोटे से टुकड़े को कर देंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद हम दोबारा इसका दूसरा सीन बनाएंगे। तो पीछे हमने बैकग्राउंड को फिर से खींच लिया, बड़ा कर लिया। और इसका एक तो ये देखिए दूसरा वाला, ये हम करते हैं इसका सीन कि इसको दो चार किके मार रहा है, एक नहीं दो चार मार रहा है। तो इसको भी हम यहाँ से कर लेंगे एक्सपोर्ट। तो दूसरा ये हमारा टुकड़ा हो गया। आजकल बॉलीवुड की मूवीज़ भी इस तरह बनाई जाती हैं, कोई भी ड्रामा हो उस पर भी इस तरह ही मेहनत की जाती है, टुकड़े टुकड़े मिला के जो है वो सीन बनाए जाते हैं। तो ये देखिए दूसरा ये हमारा हो गया कि दूसरे में इसने ये किया है। अब तीसरा जो है वो हम कुछ अलग सा बनाएंगे। तो तीसरे के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम जो इसका एक्शन है नीचे से ऊपर आने का, खड़ा होने का, ये हम यहाँ इसको उसके इसके एक्शन को, लड़के के एक्शन को बना रहे हैं। तो अलग सा ही हमने इसको रख लिया, ये देखिए। लेकिन थोड़ा जल्दी में उठ रहा है, तो हम इसकी थोड़ा सा स्पीड कम करके स्लो मोशन देंगे उसके लिए। ये देखिए, ये इतना सा बस बैकग्राउंड मैंने रख लिया, लेकिन लड़के को स्लो मोशन देना है अभी, वो दे के हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह से तीसरा भी हमारा जो है वो टुकड़ा बन चुका है। तो सीन से सीन मिला के ही आप स्टोरी बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। अभी और काम जेन्युइन जो है वो बाकी है। उसके बाद दोबारा हम फिर काइन मास्टर की एप्लीकेशन पे आए और यहाँ हमने जो टुकड़े किए हैं एक्सपोर्ट, उसको लाएंगे अपने सारे तीन चार सीन जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं। एक ये था हमारा, ये देखिए शुरू में थोड़ा गायब हो रहा है, तो मैंने शुरू वाला पार्ट इसका ख़त्म कर देना है। तो इस तरह से फिर से मैं इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे रख लूँगा और एक्सपोर्ट से यहाँ से मैं और पार्ट इसका लेके आऊँगा, जितने भी मैंने पार्ट इसके बनाए हैं।
जैसा कि आपने इंट्रो में देखा जो मैंने क्रिएट किया है, तो मैंने इसका तीसरा भी यहाँ पे पार्ट रख लिया। अब मसला ये है कि एक ये तो चार पार्ट हो गए हमारे जेन्युइन, अब हम इसके डुप्लीकेट करेंगे, सोलो बनाएंगे, वो भी आपको इसी वीडियो में सिखाएंगे कि किस तरह आप जो है वो इन चार जो है सीन से आप एक मिनट तक अपनी मूवी बना सकते हैं। तो देखिए जनाब, यहाँ पे हमने इसका थोड़ा सा पिछला हिस्सा ख़त्म कर लिया है और चला के देखते हैं तो इस तरह से अब हम इसको बीच में से यहाँ से कैंची से कट लगा देंगे और इसको इसका करेंगे पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन खींच के यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद जो है दूसरे भी हम इसी तरह से ही डबल डबल डुप्लीकेट करके उसको उसकी पोजीशन जो है वो बना के यहाँ इसकी थोड़ी सी स्पीड कम करेंगे ताकि ये जब उठेगा तो देखिए इस तरह से जैसे हीरो उठते हैं तो ये उठ के सामने उसको मार रहा है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका फिर से डुप्लीकेट लेयर दूसरा भी लेंगे। दूसरा लेने के बाद इसको दूसरे को हम थोड़ा सा क्लोज दे के दिखाएँगे, पहले वो मास्टर वाला दिखाएंगे, उसके बाद जो है वो दूसरा वाला जैसे ये मारता है तो इस तरह ये चलता रहेगा। तो व्यूअर्स, चैनल पे नए तो यार प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, इस तरह के कंटेंट हम बनाते रहते हैं। हमारे चैनल को विज़िट करें, सपोर्ट करें प्लीज़। हमारी एक लाइक से आपका कोई ख़र्चा नहीं आएगा, सब्सक्राइब से कोई ख़र्चा नहीं आएगा। तो जनाब ये देखिए हमारा आधा काम मुकम्मल हो चुका है, उसके बाद हम करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद हम इस पर वॉइस कवर करा सकते हैं और इसकी फाइटिंग के जो साउंड्स हैं वो यूट्यूब पे नो कॉपीराइट के पड़े हुए हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। इस तरह का चैनल बना के आप लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए कमा सकते हैं।